दुनिया में ऐसा कोई भी इंसान नहीं है जिसकी पीठ पीछे लोग सिर्फ अच्छी ही बातें करते हो। सबसे पहले तो आप यह हकीकत जान लो ताकि आपको जीवन जीने में आसानी हो। उदाहरण स्वरूप बताऊं तो आप अपने रिश्तेदारों की एक लिस्ट बनाकर किसी दूसरे इंसान को दो जिसे आपका कोई भी रिश्तेदार जानता ना हो। अब वह अज्ञात इंसान अकेला आपके सभी रिश्तेदारों को बारी बारी मिलेगा और आपके बारे में आपके सभी रिश्तेदारों से पूछेगा, जैसे कि आप कैसे हो, आपका स्वभाव कैसा है। इतना ही नहीं बल्कि वह अज्ञात इंसान आपके सभी रिश्तेदारों की आपके बारे में क्या राय है वो भी चुपके से रिकॉर्ड करेगा। अब आपको क्या लगता है कि आपके सभी रिश्तेदार आपके बारे में सिर्फ अच्छा ही बोलेंगे? बिल्कुल नहीं। 100 में से 10 लोग ऐसे भी होंगे जो आपके बारे में बुरा बोलेंगे और यही हकीकत है। तो चलिए दोस्तों, आज मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ कि आखिर पीठ पीछे लोग क्यों आपको भला बुरा कहते हैं। यदि लोग आपकी पीठ पीछे आपकी बुरी बातें करें तो समझ लेना कि आप जीवन में तरक्की कर रहे हो। यह डायलॉग वैसे तो फिल्मी है लेकिन थोड़ा सच भी है। मुख्य 4 कारणों की वजह से लोग आपकी पीठ पीछे आपके बारे में भली बुरी बातें करने के लिए मजबूर हो जाते हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि वो 4 बातें कौन सी है भला, तो चलिए मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहला, कम समय में यदि आप अपने जीवन में लोगों से ज्यादा तरक्की करने लगे हो, या फिर कम समय में आप लोगों से ज्यादा पैसा कमाने लगे हो, तब लोग पीठ पीछे आपकी बुरी बातें करते हैं। इसे मैं थोड़ा विस्तार से बताता हूँ। इंसान जब तरक्की करता है तो उसकी तरक्की से मन ही मन जलने वाले लोगों की संख्या अपने आप बढ़ जाती है और यह एक सनातन सत्य है। लोग यह नहीं चाहते कि आप अपने जीवन में कामयाब हो या फिर आप उनसे एवं उनके बेटों से ज्यादा पैसे कमाए, लेकिन यदि ऐसा होता है तो लोग आपकी पीठ पीछे बोलना शुरू कर देंगे। उदाहरण स्वरूप बताऊं तो एक लड़का अपनी मेहनत और लगन से अच्छे खासे पैसे कमा रहा है और जीवन को कामयाबी की ओर ले जा रहा है। उसके माता पिता को अपने बेटे की कामयाबी पर गर्व है। इतना ही नहीं बल्कि उसके माता पिता अपने बेटे की कामयाबी का ढंढेरा अपनी पूरी सोसाइटी या फिर मोहल्ले में पीट रहे हैं। माता पिता ने अपने सभी रिश्तेदारों को बात बात में यह बता दिया है कि अब उन्हें किसी बात की चिंता नहीं है, क्योंकि उनका बेटा जीवन में कामयाबी की सीढ़ियां चढ़ने लगा है। यहाँ से लोगों के मन में जलन शुरू होती है, क्योंकि उनके बेटे या फिर वो खुद अपने जीवन में कुछ भी नहीं कर पाए। अब होगा यूं कि लोग आपसे और आपके बेटे से ईर्ष्या करने लगेंगे और आपके पीठ पीछे कुछ ऐसी बातें करेंगे, जैसे कि उसके बेटे ने थोड़े पैसे क्या कमा लिए, पूरी दुनिया में बताती फिर रही है, आजकल मेहनत से कभी इतना पैसा कमाया जा सकता है भला, पक्का उसका लड़का कोई गलत धंधा कर रहा है, बेटा 4 पैसे कमाने क्या लगा, उसके माँ बाप को तो घमंड ही आ गया है, उसका बेटा किस तरह पैसे कमाता है मुझे सब पता है। अब ऐसी बातें लोगों को क्या बताना, वरना अभी भांडा फोड़ सकता हूँ मैं उसका। अभी इतने पैसे कमा रहे हैं ना, लेकिन देखना एक दिन इस परिवार के बहुत ही बुरे दिन आएंगे, क्योंकि 2 नंबर के पैसे ज्यादा टिकते नहीं है। इस प्रकार आपकी पीठ पीछे तरह तरह की बातें करना लोग शुरू कर देते हैं और अपने मन को मनाते हैं। कुछ लोग होते हैं जो अच्छी बातें भी करते होंगे, लेकिन दुनिया में नेगेटिव ज्यादा चलता है, जो आपको पता ही होगा। यदि आप अपनी सूझबूझ, मेहनत, लगन और पूरी ईमानदारी से ज्यादा पैसे कमा रहे होंगे, फिर भी लोगों से यह देखा नहीं जाएगा और वो आपकी पीठ पीछे आपकी नेगेटिव बातें ही करेंगे। इसीलिए याद रखें कि यदि आपको जीवन में कामयाब होना है तो आपको लोगों की बातों पर ध्यान देने की बजाय अपनी तरक्की पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। हकीकत तो यह है कि यदि आप अपने जीवन में कुछ भी नहीं करेंगे, फिर भी लोग आपकी पीठ पीछे नेगेटिव बातें जरूर करेंगे, क्योंकि वह उनकी आदत है। दूसरा नंबर पर आता है, यदि आपके संबंध आपके रिश्तेदारों, दोस्तों, पड़ोसियों
या फिर अन्य लोगों के साथ ठीक नहीं है तो लोग आपके पीठ पीछे बात करेंगे ही। चलिए इसे मैं विस्तार से समझाता हूँ। कुछ लोग ऐसे होते हैं जिन्हें रिश्ते निभाना बिल्कुल नहीं आता। इस प्रकार के लोग रिश्ते जोड़ने के बजाय उसे तोड़ते ज्यादा है। जब आप किसी इंसान के साथ झगड़ा करके अपना रिश्ता बिगाड़ते हो तो वो इंसान की नजर में आप बुरे बन जाते हो। अब आपने तो देखा ही होगा कि जब दो लोगों के बीच या फिर दो पड़ोसियों के बीच झगड़ा होता है तो ज्यादातर लोग वहां सिर्फ झगड़ा देखने के लिए इकट्ठा होते हैं। अरे इतना ही नहीं, बल्कि रोड पर से जा रहे लोग भी झगड़ा देखने के लिए अपनी कार या फिर बाइक रोककर झगड़े का तमाशा देखते हैं। जैसे झगड़ा खत्म हो जाता है, कुछ लोग पत्रकारों की तरफ भागकर उन दोनों इंसानों के पास पहुंच जाते हैं जिनके बीच कुछ देर पहले झगड़ा हुआ था, और फिर वो लोग उनसे तरह तरह के सवाल पूछते हैं। झगड़ा करने वाला इंसान कभी ऐसा नहीं कहता कि इसमें मेरी गलती थी। वो सामने वाले इंसान की ही गलती निकालता है और आसपास पत्रकार बनके इकट्ठा हुए लोगों को बताता है। हद तो तब होती है जब इकट्ठा हुए लोग जिन्हें कुछ भी पता नहीं है फिर भी उसकी हाँ में हाँ मिलाते हैं। चलिए तो मैं इसे उदाहरण के रूप में समझाता हूँ। रमेश और महेश नाम के दो पड़ोसियों के बीच बड़ा झगड़ा होता है। अब कुछ लोग रमेश के पास जाते हैं यह पूछने के लिए कि झगड़ा क्यों हुआ था, और कुछ लोग महेश के पास जाते हैं और उसे पूछते हैं कि झगड़े का कारण क्या था। रमेश लोगों के सामने महेश की गलती निकालता है, जबकि महेश लोगों को यह बताता है कि रमेश की गलती थी। इकट्ठा हुए लोग भी दोनों की बात सुनकर उनकी हाँ में हाँ मिला रहे हैं, लेकिन उन्हें कुछ भी नहीं पता है कि आखिर झगड़ा क्यों हुआ था और गलती किसकी थी। जब लोग अपने अपने घर जाते हैं तब वो रमेश और महेश के पीठ पीछे उनकी बातें करना शुरू कर देते हैं, जैसे कि रमेश का स्वभाव तो बहुत खराब है, वो तो पहले से झगड़ालू है, लेकिन महेश भी कहाँ अच्छा इंसान है। महेश का स्वभाव तो इतना खराब है कि उसके रिश्तेदार भी कहाँ उसे बुलाते हैं। रमेश का कोई दोस्त देखा तुमने? लोगों के साथ कुत्ते की तरह झगड़ा करता है, ऐसे इंसान से कौन दोस्ती करेगा भला। मुझे तो ऐसे लोगों के झगड़े में पड़ना नहीं है, क्योंकि इनका तो रोज का है और कल ये सब एक ही थाली में खाने बैठेंगे। मैं अपनी इज्जत क्यों बिगाड़ू इनके चक्कर में। इनके घरों में भी कितने झगड़े होते हैं, एक दिन भी ऐसा नहीं गया जब इन लोगों के घर में झगड़ा ना हुआ हो। अरे इनकी तो जात ही ऐसी है, इनके मुंह नहीं लगना चाहिए। ऐसे लोगों से दोस्ती तो छोड़ो, इन्हें घर में भी नहीं आने देना चाहिए। रमेश और महेश के पीठ पीछे ऐसे तरह तरह की बातें करते हैं लोग, क्योंकि उनको मजा आता है ऐसी बातें करने में। जीवन में हो सके तो कभी अपने दोस्तों से, रिश्तेदारों से, पड़ोसियों से या फिर किसी दूसरे इंसान से झगड़ा मत करो। जो बातें बातचीत से सुलझाई जा सकती है वो झगड़ा करके सुलझाना ठीक नहीं होगा, क्योंकि इसमें आपकी और आप जिस इंसान से झगड़ा कर रहे हैं उसकी दोनों की छवि बिगड़ सकती है, और लोग तो वैसे तैयार ही बैठे हैं ऐसे तमाशे देखने को। इस वीडियो के दूसरे भाग में आप जानेंगे और भी कारण जिसकी वजह से लोग पीठ पीछे आपकी बातें करने को मजबूर हो जाते हैं। यदि आपको हमारा यह वीडियो अच्छा लगा है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जय श्री राम।